तो ऋषभ पंत वापसी कर ली है ऋषभ पंत ने, और वापसी की है और ऐसी की है, और जो रोल था इनका चोट से पहले, घायल होने से पहले, वही रोल में ही फिर से फिट होते दिख रहे हैं। तो ऋषभ पंत ने चेन्नई के खिलाफ 30 गेंदों पर 8 शतक जड़ा, 4 चौके और 3 छक्के जड़े, और 32 गेंदों पर 51 रनों की पारी खेली। हालांकि वह 51 रनों पर आउट हो गए, लेकिन ये 32 गेंदों पर 51 रन की पारी फिर से विंटेज ऋषभ पंत की याद दिलाती है। और ऋषभ पंत इस पारी से देखें तो पूरी तरह से तो कमबैक नहीं किए हैं, लेकिन लगभग वे कमबैक कर लिए हैं। टीम को रन की जरूरत थी, टीम देखें तो बहुत बुरी मुसीबत में थी, और उस समय ऋषभ पंत ने पारी को संभाला और टीम को एक सम्मानजनक स्कोर की तरफ ले गए। पंत का देखें तो एक्सीडेंट हुआ था 30 दिसंबर 2022 को, उसके बाद से वो लगातार NCA में और अलग अलग जगहों पर उनका इलाज चला, और उसके बाद अब वो प्रोफेशनल क्रिकेट में वापसी कर रहे हैं, और उनका यह पहला 50 है एक्सीडेंट के बाद। बाकी देखते हैं कि आने वाले मैचों में वो कौन से मैच में शतक जड़ेंगे, कौन से मैच में वो पूरी तरह से कमबैक करेंगे, देखना जबरदस्त होगा। बाकी आप बताएं इसके बारे में जो भी कहना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी खबरों के साथ। जय हिंद।